माताओं बहनों भाई बंधुओं, मैं आपके ग्राम सभा में आया हूं और आपको बताने आया हूं सुबह सुबह कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है जल। और जल यानी कि पानी, हर इंसान की जरूरत होती है पानी, और पानी हम पैदा कर नहीं सकते। पानी प्राकृतिक देन है, जब बरसात होला तो कहाँ टिकेला, कई गड्ढा उड्ढा रही, पोखरी उखरी रही, तालाब रही, वही में टिकेला। लेकिन आजकल एकर महत्व खत्म कर दे हमारे लोग। सरकारी नलका लग जाता था, घरे में लग जाता था, टुल्लू पंप लग जाता था, सब लोग अंदर से लाभ लेते, बाहरी लाभ है खत्म हो गए बाहर। तो ओकर हमान पोखरा पोखरी का महत्व खत्म कर दे हैं। तो हमारी कहना बा भैया लोग, जवन पोखरा पोखरी पहले के जमाने में देखला भैया, जब हमान माला छोट छोट रहनी तब तक बात करत हई कि हमारे इनारे लंबी का डोरी लेके बल्टी में से इनारे से पानी काढ़ के पानी पियल जाए, नहायल जाए। लेकिन अब के जमाने में हमहन के लड़का ओमन टॉफी बिस्कुट खा के पॉलिथीन फेंक देते हवा, कितना जनी इनारा पटवा देते हवा, जो अगले बगले गड्ढा है पोखरी तालाब बाय ओमन हमहन घर का कचरा ले जाके फेंक देते हैं। तो ओमन जो कचरा सड़त है ओकरे माध्यम से जवन हमारे पानी चढ़ावल जाता अगल बगल गढ़ाई पोखरी बात उमन का पानी रिसला, और रिस के वही पानी हमारे पिए जला, तो वही से हमारे बीमार होखल जला। और हमारे जमीन स्तर 70% पानी है, मात्र 3% पीने का पानी बचा है, 3%, और वो खारा, और आपके शुद्ध रूप से पानी ना मिला था। जिला हमान का जवार हमान का सफाई के वजह से हमान पैसा का पानी पियल जाता भैया। चाहे अगर वह पैसवा अपने गांव समाज में अगल बगल लगा के पोखरी पोखरा साफ कईदा तो कितना सुंदर रही। और देखो आवे जाए वाला भी देखिया कि कहीं कोई कवन गांव का पोखरी है बड़ा बढ़िया है। पहले के लोग जब गांव में दूसरे गांव से लोग आवे तो पूछे कोई कवन बिरादर हमार, अगर कहीं निम्न वर्ग कर रहे तो पोखरी का तालाब का पानी साफ रहे, ओमन अजूरी से निकाले या पी ले और उनका प्यास बुझ जाए। लेकिन अब देखा पोखरी में हमान हमन कचरा फेंक देते हैं, पॉलिथीन फेंक देते हैं, ओकर दुरुपयोग था। लेकिन आने वाले समय में हमहन का पानी का बहुत दुखा समस्या रही, काहे कि पानी पैदा होला ना, घर तो हमारे बनवा रोल जाई, इधर पठा जाई, लेकिन पानी कहीं क्यों पैदा ना कर पावन बा, वो प्राकृतिक देन है। तो आप लोगों से यह कहना बा कि तालाब के स्वच्छ रखी, और कहीं गंदी भी है तो के सफाई करी, अपने जो पॉलिथीन कचरा घर के निकलत है एठे गड्ढा खन के मन डाल दी, और एक दो महीना बाद सड़ आई, और जब सड़ आई तो के खेते में डाल देबा तो कर बहुत उपजाऊ बीज उत्पन्न हुई। तो आप लोगों से सब तरफ से फायदेमंद, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं करना पड़ेगा। यही हमारा नाटक रहा, सभी को समझ में आ तो जोरदार ताली बजा दीजिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। जय हिंद, जय भारत।